अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता था। नाश्ते में आज मैंने बनाया था अंडा ब्रेड और साथ में चाय। तो ये था मेरा आज का नाश्ता। आप सब ने भी करना है तो आ जाइए जी, अंडा ब्रेड का नाश्ता मेरे साथ करिए। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का टाइम था और सुबह को ये देखो आज तीसरा दिन है हमारा दूध जो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये देखें जी, दूध का हो गया ये हाल। तो उसके बाद फिर भाई ये पैकेट वाला दूध लाए, तो आज हमने इसी की फिर चाय बनाई और इसी से काम चलाया। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने कहा चले जी पहले नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर करेंगे दूसरा काम। तो ये था दोपहर का टाइम। उसके बाद फिर बीच में मैंने कोई वीडियो ना बनाई। तो दोपहर को हमने बनाई थी मसूर की दाल और साथ में मैंने अचार लिया था। तो हम लोग मसूर की दाल ऐसे ही खुश्क वाली बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े की होती है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है मसूर की दाल। जैसे लोग माश की दाल बनाते हैं वैसे हम इसी तरह मसूर की दाल बनाते हैं, तो बहुत मज़े की होती है। उसके बाद खाना वगैरह खाने से फारिग होने के बाद फिर जब बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई और एक दिन पहले भी बारिश हुई थी। तो बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन बारिश जब बंद होती है तो उसके बाद जो हाल होता है ना पूछे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी और हवा भी बिल्कुल रुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी, तो यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी देर इधर ही फिरते हैं। और आजकल सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई है ना पूछे, इतना ज़्यादा सैलाब आया हुआ है ना, मेरे तो गांव में बिल्कुल नज़दीक पानी पहुंच चुका है। मैंने कल भी अपने घर फ़ोन पे बात की तो मैंने कहा जी पानी का बहुत ज़्यादा ख़तरा है और हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक पानी पहुँच चुका है। तो अल्लाह खैर करे जी, सब पे अपना रहम करम अल्लाह पाक करे और बस दुआ है। और मैं तो ख़ुद बहुत टेंशन में हूँ, रात को मुझे नींद भी नहीं आती कि यार अल्लाह खैर करे। तो उसके बाद रात को हमने बनाए थे मिक्स सब्जियों वाले चावल। तो ये देखें जी, हमने आलू को चिप्स की तरह काटा था और बहुत टेस्टी चावल बने हुए थे, बहुत टेस्टी। इसमें गाजर थी, बंद गोभी थी और आलू थे। मटर तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हैं भाई, और हमने डाले भी नहीं थे। तो ये था हमारा रात का खाना। उसके बाद रात को फिर मैंने हलवा बनाया। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चले आप सब से रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। जो लड़कियों को हलवा बनाना नहीं आता उन सब के लिए ये रेसिपी जो है वो यूज़फुल रहेगी और उनको हलवा बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कप मैंने सूजी ली थी, आधा कप देसी घी लिया था, उसमें मैंने सूजी भून के रखती थी, और चार कप मैंने पानी लिया था जिससे मैंने सूजी नापी थी ना जिस कप से, उसी कप से मैंने चार कप पानी ले लिया था। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी चार कप, तो बहुत आसान था। मैं भी एक दफ़ा पहले बनाया था और सेकंड टाइम अब बनाया था, ये दूसरी दफ़ा बनाया है और मेरे घर वालों ने खाया और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उसके बाद ही मैंने आप सबसे रेसिपी शेयर की। मैंने कहा पहले घर वालों को खिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी रेसिपी जो है ना सबको कि कैसा बना। तो मेरे घर वालों ने सब ने बहुत तारीफ़ की, सब ने कहा बहुत मज़े का बनाते। इसमें मैंने दो अदद इलायची डाली थी, जो पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था उसमें एक कप चीनी डाली थी और दो इलायची डाली और थोड़ा सा मैंने ज़ाफ़रान डाला था, बिल्कुल चुटकी ज़ाफ़रान की। सूजी को मैंने ना हल्की आंच पे भूनने के लिए रख दिया था। इसको ना आप हल्की आंच पे रखेंगे ना तो सूजी जो भुनाई है ना वो बहुत अच्छी वाली होगी, और हल्की आंच में जो सूजी का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कप चीनी जो थी वो भी मैंने डाल दी थी और साथ साथ में हल्के आंच में ना ये वाला देसी घी हमने डाला था। हम हलवा जो है ना वो देसी घी में बनाते हैं, हमने डालडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। तो देसी घी का जो टेस्ट होता है ना वो अपना ही होता है, एक बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे पानी जो था वो बॉयल होना शुरू हो गया था, और पानी भी आप कम से कम आपको 15 से 20 मिनट अच्छे से पानी को पकाना चाहिए जब वो अच्छे से। तो ये था मेरा खाना। तो पहले भाभी ने कहा हलवा बना दो, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं खाना खा लूँगी, पहले हलवा तैयार कर लेती हूँ। तो
साथ साथ मैं हलवा तैयार कर रही थी और साथ साथ ये बाकी चीज़ें मैं इनका समेट देते हैं, और साथ साथ जो है ना सूजी की बुनाई हो रही थी। तो ये कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट सूजी की अच्छे से बुनाई की थी। तो उसके बाद ये देखें जी, इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया। और ये देखो जी, मैंने पानी जो बॉईल किया वो ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैं चलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको ना ढक्कन दे के ना हल्की आंच में पकने के दूंगी। आपने ये काम नहीं करना कि फटाफट आपने तेज़ चूल्हा कर देना और सूजी को भूनना शुरू कर देना और उसके बाद पानी डालना। कच्चा पानी तो बिल्कुल नहीं डालना। तो ये देखो जी, ऑलमोस्ट हमारा हलवा जो बन के रेडी हो चुका है। मैंने आज ये रेसिपी आप सबसे इसलिए शेयर की है, जो लड़कियों को हलवा बनाना नहीं आता वो जी उन सब के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई। तो ये देखिए जी, ये था मेरा हलवा, बहुत मज़ेदार था। मैंने अपने लिए भी डाल लिया था और सब लोगों ने खा लिया था। और इसकी मैंने शॉर्ट्स भी बना के ना यूट्यूब पे अपने चैनल पे लगाई, जाके देखना। और इसी तरह हलवा बना के मेरे साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी हलवे की। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।